दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि पाकिस्तान को जितना भी पानी मिल रहा है वो सब भारत से ही जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी नदी है इंडस, जो लेक मानसरोवर से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और पूरे पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ऐसे ही चेनाब और झेलम भी जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। इसके अलावा तीन नदियां पंजाब से, यानी रावी, ब्यास और सतलुज भी पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देते हुए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करने का नोटिस पाकिस्तान को भेजा है। इंडस वाटर ट्रीटी, जो दोनों देशों के बीच 1960 में साइन की गई थी, जिसके हिसाब से इंडस, झेलम और चेनाब नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा, तो वहीं रावी, ब्यास और सतलुज पर इंडिया का। लेकिन अगर हम इन नदियों के साइज को आपस में कंपेयर करें तो इंडस, झेलम और चेनाब 80% पानी को कैरी करती है, तो वहीं रावी, ब्यास और सतलुज सिर्फ 20% पानी। जिस वजह से अब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करने का नोटिस पाकिस्तान को भेजा है।